हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरे आज के मॉक का अड्डा की टेस्ट सीरीज से फोर्थ मॉक टेस्ट था। तो इसमें मैंने स्कोर किया है 37 और इससे पहले वाला जो मैंने शेयर किया था वो था 39 आई थिंक। ओके, सो इसमें मेरे को कम आए हैं और परसेंटाइल भी इसमें कम है। सो अभी मैं मतलब एनालिसिस कर रही हूँ तो इस का बहुत कम है आई नो, तो क्या कर सकते हैं। और मेहनत कर ही रही हूँ अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। सो इसमें सेक्शन वाइज देखें अगर तो मेरे को रीजनिंग में गलत हो गए हैं और इसमें मैथ्स में मैंने 17.75 स्कोर किया था। ओके, सो इसमें रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो गई। अभी सॉल्यूशन वाइज मैं इसको एनालिसिस करूँगी यहाँ पर। ओके, सो रीजनिंग में मेरे 3 रॉन्ग हो गए यहाँ पर और ये फर्स्ट वाला ठीक है दिख रहा होगा यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला जो है मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा दिखने में ही मैंने देखते ही इसको हटा दिया था क्योंकि ये वेरिएबल वाला पजल था तो मैंने सेटिंग अरेंजमेंट था तो मैंने इसको नहीं टच किया। फिर ये मैंने अटेम्प्ट किया था, इसके बाद ये दो मैंने सोचा बाद में करूँगी बट ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ईजी थे बट मैंने इसको छोड़ दिया तो हो गया। फिर टाइम नहीं मिला बाद में अटेम्प्ट करने के लिए। फिर मैंने इसको मार्क रिव्यू फॉर नेक्स्ट में भी नहीं किया ताकि मैं बाद में इसे देख पाऊँ। सो ये यहाँ पे कि आपको जब भी लगता है कि आपको दोबारा अटेम्प्ट करना है तो उसमें मार्क रिव्यू फॉर नेक्स्ट ज़रूर करना। ओके, और इसको मैंने 3.5 मिनट में बनाया था, 3 मिनट 35 सेकेंड में बनाया था। ओके, हाँ तो हाँ इतने मिनट में मैंने बनाया था। ओके, और इसके बाद ये डायरेक्शन वाला मैंने बनाया तो था, डायरेक्शन वाला हाँ ये बनाया था और इसमें मेरे को इसमें मेरा हमेशा रॉन्ग हो जाता है तो मैं कल के टेस्ट सीरीज में कोशिश करूँगी कि मेरा एक भी रॉन्ग ना हो। ओके, और कल मैंने सोचा है कि मैं 50 से कम मार्क्स नहीं लेकर आऊँगी। ओके, सो देखते कल क्या होता है। और ये इसमें एक डायरेक्शन वाला मेरा रॉन्ग हो गया था, एक ये वाला रॉन्ग हो गया था, इसमें 6 मैंने मार्क किया था बट इसमें मोर देन 6 था। ओके, ब्लर क्यों हो रहा है, हाँ ओके ठीक है फाइन। इसके बाद ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये भी बहुत इजी था, बहुत बहुत इजी था। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख ही नहीं पाती हूँ, मैं डर के मारे इसको स्किप कर देती हूँ, सिर्फ डर के मारे स्किप कर देती हूँ। ओके, सो एक सेकेंड रुक के इसको देखिएगा ज़रूर। ओके, फिर इसके बाद मैंने ये अटेम्प्ट कर लिया था, फिर रह गया था ब्लड रिलेशन वाला। ब्लड रिलेशन से थोड़ा सा मेरे को डर लगता है बट ये डूएबल था, मैंने नहीं किया था इसको। मेरे को पजल में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पजल से थोड़ा सा टाइम बचा के यहाँ पे अगर टाइम दिया जाए तो आई थिंक हो सकता है। ओके, और ये वाला कर लिया था मैंने, कितने मिनट में किया था, 4 मिनट में। ओके, सो एक यहाँ से ये रॉन्ग हो गया था, नन फॉलोस पे मैंने नन फॉलोस पे क्लिक किया था, मार्क किया था और सेकेंड वन फॉलोस। ओके, सो ये मेरे 3 रीजनिंग में रॉन्ग हो गए थे, 3 रॉन्ग थे मेरे रीजनिंग में। अब मैथ्स के एनालिसिस पे चलते हैं। मैथ्स में मैं ये बताना चाहती थी यहाँ पे कि मैंने इसको थोड़ा सा करने की कोशिश की थी। ओके, बट थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा था, मैंने जमा लिया था बट फिर भी थोड़ा सा मैं नहीं कर पाई इसको तो फिर मैंने पूरा का पूरा छोड़ दिया था, तो इसने मेरा टाइम ले लिया था, 1.5 मिनट ही मेरा खा गया था। ओके,
सो यहाँ से मेरा टाइम भी चला गया। फिर उसके बाद मैंने ये अप्रोक्सीमेशन किया था 37 सेकेंड में, ये वाला किया था 21 में, ये वाला 24 में, और ये वाला किया था मैंने 21 में, ये वाला 15 सेकेंड्स में। ओके, और ये मैंने पूरे में को रॉन्ग नंबर सीजन से बनती नहीं है, तो मैंने एक भी टच नहीं किया। एक आई थिंक टच किया था तो मेरे को बना नहीं था ये वाला। हाँ, इसमें मेरे को एक मिनट पूरा का पूरा लग गया, एक मिनट से ज़्यादा लग गया था, बट मेरे को बना नहीं था तो मैंने इसको भी छोड़ दिया था, इसलिए मैंने एक भी फिर इसके बाद एक भी देखा ही नहीं। ओके, फिर ये वाला मैंने कर लिए थे, कुछ मिसलेनियस वाले किए थे। एक जो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है मैं उसे तुरंत छोड़ देती हूँ। डाउट क्या, देखती नहीं हूँ, जो पहले से किए हुए रहते हैं वही मैं करती हूँ। ओके, ब्लर हो जाता है, सॉरी फॉर इट गाइस, आई थिंक अब क्लियर है। ओके, अब इसके बाद ये वाला जो DI था, ये बाद में मुझे पता चला काफ़ी ज़्यादा आसान थी, ये डुएबल थी, तो 5 मार्क्स यहाँ से लिए जा सकते थे। ओके, सो मेरा कल मेरी कोशिश रहेगी कि जो डुएबल है वो बिल्कुल भी ना छूटे। ओके, सो ये 5 मार्क्स यहाँ से सीधे लिए जा सकते थे। ओके, ये इतने ही, बस मेरे लिए इतने ही थे, और ये तो मेरे को बना नहीं, नंबर सीरीज भी मेरे को बना नहीं। ठीक है, एक ये क्या रॉन्ग हो गया था यहाँ पे, मुझे लग रहा था 27 है बट मैंने 36 कर दिया था। ओके, कोई बात नहीं, फिर एक ये, हाँ, सो यहाँ पे मेरे को ये DI वाला थोड़ा सा बहुत पछतावा हो रहा था कि ये थोड़ा सा और टाइम मिला होता, मैंने वो 1.5 मिनट यहाँ पे वेस्ट ना करके यहाँ पे दिए होते तो आई थिंक थोड़े से मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे। सो यही मेरा एनालिसिस था। ओके, सो आप लोग किस तरह से एनालिसिस करते हैं और कैसे टेस्ट देते हैं, मुझे पता है सब लोग मेरे से ज़्यादा ही मार्क्स लेकर आते हैं, मेरे मार्क्स बहुत ही कम है। सो इसीलिए आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और कितने मॉक टेस्ट आप लोग एक दिन में अटेम्प्ट करते हैं और कौन कौन से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो ये पूरा एनालिसिस था मेरा। ओके, तो बहुत ही पुअर रैंक आई थी इसमें भी मेरी, कल मैं कोशिश करूँगी कि ये इम्प्रूव हो, एटलीस्ट 70% तो कल होनी चाहिए। ओके, सो ओके, थैंक यू गाइज़।